हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे अरे जरा आराम से, अभी वक्त है। मैं लेट हो जाऊंगी। आज तक कभी लेट हुई है क्या तू? अच्छा एक बात बता, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? इसी महीने होना था ना? आज निकलेगी लिस्ट। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे मैं लेट हो जाऊंगी। माँ ये चिराग अभी तक गया नहीं अपना सामान लेकर। सुमन तो एक बार और मौका दे दे, भाई है तुम्हारा, आपकी बहन का बेटा है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ उसको मैं अभी तक। ये डिसीजन मेरा फाइनल है, ये मेरा घर है और वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तेरा छोटा भाई है, गलती हो जाती है। माँ गलती एक बार होती है तो समझ आता है, बार बार नहीं। ये लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? जो नहीं करना है वही करना पड़ता है। दूसरों की लाइफ कितनी सिंपल होती है, मेरी लाइफ को आसान है या फिर मैंने ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। बंद करो ये नाटक यार। मैं कर रही हूँ नाटक? नाटक तुम कर रहे हो, दिखाओ नाटक करना क्या होता है। नीचे ऑफिस में हम। मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे से। जा जो दिखाना दिखा ले, डरता हूँ क्या तेरे से मैं? पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग, पटेल कुंज के सुल्तान एरिया में एक बॉडी मिली है। सर मैंने ही फोन करके बुलाया। एक लाश ऐसे मिलती है जैसे किसी ने उसकी नुमाइश की हो। ऐसा लग रहा था कि खून नहीं बल्कि कुछ कहने की कोशिश की हो। पर क्या ये वही लड़की थी जिसका ऑफिस से लौटते हुए अपहरण हुआ था? नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। आज औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, नए नए मकाम हासिल कर रही, कई बार तो मर्दों को पीछे छोड़कर आगे निकल जा रही। फिर भी ये सवाल हमेशा जहन में कौंधता है कि वो कितनी सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित महसूस करती है, घर में, दफ्तर में, सड़कों पर, रात में दफ्तर से घर लौटते हुए। एक डर दबोच ही लेता है जब वो अकेली पड़ जाती है रात किसी सड़क पर, और इसी डर का फायदा अक्सर मुजरिम उठाते हैं। 2020 में ऐसी एक दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दी। ये केस सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। वैसे अंदेशा ये भी है कि क्या इसी तरह की वारदात दिल्ली में और भी होने वाली है। औरतों की सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो औरतों के आगे बढ़ते कदम कहीं पीछे ना खींचे। मुकुल कब तक अवॉइड करोगी तुम मुझे? तुम्हें लग रहा मैं यूं ही धमकी दे रही हूं? मुकुल आई एम डैम्न सीरियस। सुमन अपनी माँ से कब तक अपने दिल की बात छुपाओगी? देख बेटा, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है तुम आराम करो, तब तक मैं चाय ले आऊँ। सिर्फ खून करना इसका मकसद नहीं था, शायद कोई मैसेज भी देना चाहता है। सर ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की की उम्र कहीं 22 या 24 के बीच की होगी सर। कोई पहचान शिनाख्त? कुछ नहीं सर। जब तक इस लड़की की शिनाख्त नहीं होती ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसे किसने मारा है और क्यों। ये टैटू, पता करो ये टैटू किसने बनाया है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुमन, ओ सुमी, 9 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुमन कहाँ चली गई ये लड़की? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? चिराग को फोन कर। मामा सिंह चिराग, सुमन घर पे नहीं है,
पता नहीं कहाँ चली गई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मासी ऑफिस गई होंगी, आ जाएंगी। चिराग तुम जानते हो। अरे अभी तुम चाय नाश्ता भी नहीं किया उसने सुबह का। पता नहीं कहाँ चली गई और तुम्हें पता है कि वो बिना बाय बोले घर से नहीं जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम जल्दी आ जाओ। कल रात हमने साथ में खाना खाया फिर वो सोने चली गई। सुबह मेरी आंख खुली, वैसे तो वो 7-7:30 बजे तक उठ जाती है, पर आज 9 बज गए थे इसीलिए। इसका पर्सनल सामान, कपड़े, बैग, ज्वेलरी वगैरह साथ में लेकर गई है या छोड़कर? सर मुझे तो लगता है कि वो रात को ही भाग गई। चिराग ऑफिस में फोन किया आपने? जी सर किया था, पर वो ऑफिस तो आज गई नहीं। दूसरों पे बहुत जासूसी करती थी वो, और मेरी जिंदगी तो उसने नरक बना दी थी। भगवान ही जाने कौन सा कांड करके बैठी। भाग अब तो चुप भी करेगा। अरे तू यहाँ मदद करने आया है या आग लगाने? देखिए सर जितना जल्दी हो सके आप मेरी बेटी को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ होगी वो। इस लड़की की एज भी वही है जो बाकी 3 मिसिंग लड़कियों की, हमें फौरन तलाश शुरू करनी होगी। धन्यवाद। सभी हॉस्पिटल में पता करो कहीं कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट है क्या, और वो जो बॉडी मिली थी। नहीं सर, बॉडी का डीएनए मिसिंग लड़कियों की फैमिलीज के साथ मैच करते थे। दोनों फैमिलीज के ब्लड सैंपल्स ले लिए सर डीएनए टेस्टिंग के लिए सर। यस सर। ओके सर। चलो। नहीं सर सुमन वो ऑफिस आई ही नहीं 2 दिनों से। बताया था कि क्यों नहीं आई है, या फिर किसी के साथ कहीं गई हो? सर वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन करियर से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो इस तरह काम छोड़कर भागने वाले वैसे नहीं थे। कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऑफिस में तो सबके साथ अच्छा ही था उसका। लेकिन हाँ सर, गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी उस दिन वो जल्दी चली गई, जबकि वो नॉर्मली जल्दी नहीं जाती, वो लेट जाती है। जल्दी जाने की वजह? पता नहीं सर, परेशान लग रही थी, मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। इनफैक्ट हम लोग उससे पार्टी लेने वाले थे। किस बात? उसका प्रमोशन हो गया था, हमारी बॉस बन चुकी थी वो। हाँ सर हमने भी नोटिस किया था वो एब्सेंट थी, लेकिन फिर इग्नोर किया क्योंकि अब इतनी प्रॉम्प्ट एम्प्लॉई, सोचा घर पे उसको प्रॉब्लम होगी। सर ये वॉचमैन कुछ कहना चाह रहा है। सर उस रात सुमन मैडम ऑफिस दोबारा आई थी रात में। रात में क्यों आई थी? पता नहीं सर, ऑफिस तो रोजाना 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, कभी कभी लोग लेट तक काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर वो ऑफिस के अंदर सीसीटीवी नहीं है, आपको पैसेज का मिल जाएगा। सब ले करो। तब सर 15 मिनट ऑफिस में थी। पता करो ऑफिस आने से पहले सुमन की किसी से बात हुई थी क्या? दिन में उसका प्रमोशन हुआ और उसी रात को वो गायब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमन का गायब होना उसके ऑफिस से जुड़ा, या फिर बाकियों की तरह? सर आपको लगता है कि सुमन को भी किसी ने मार दिया होगा? श्योरिटी से नहीं कह सकते थे। उसकी माँ ने बताया कि जब वो ऑफिस से आई तो परेशान थी। ऑफिस वालों ने बताया कि परेशान थी और घर जल्दी चली गई। गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी उस दिन वो जल्दी चली गई, और फिर रात में घर से वापस ऑफिस आना। ये सारी बातें एक तरफ तो इशारा कर रही कि सुमन के गायब होने में कोई ना कोई ऑफिस वाला जरूर जुड़ा होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल उसने किसको किया था या उसकी किससे बात हुई। राइट सर। कहाँ चली गई तू बेटा? अपनी माँ से ऐसे नाराज होके कहाँ गई? मासी जी अगर आप बुरा ना मानते एक बात को, आप ऐसे कब तक रोती रहेंगी? अब मैं आ गया हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। तू मेरा ख्याल रखेगा? खुदगर्ज तू तो फोन भी तब करता है जब तुझे पैसों की जरूरत होती है। मासी जी मेरी माँ तो है नहीं, आप ही मेरी माँ समान है, सारी बातों को भूल जाइए ना। अच्छा मैं ना सामान रख देता हूँ सुमन के कमरे में। कोई जरूरत नहीं,
सुमन की एक भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो वैसे भी नहीं चाहती थी कभी कि तुम इस घर में आके रहो। पर मासी जी, मैं कभी आपको छोड़ के गया क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। अब उसकी राह देखना बेकार है मासी जी। तेरी वजह से गई है वो बच्ची, मुझे छोड़ के चली गई। पर मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन ऑफिस आई थी या नहीं आई थी। मुझे तो तब पता चला जब उस दिन आपके साथ सीसीटीवी में देख रहा था। और मैंने पार्टी रखी थी, सारे ऑफिस के कॉलीग्स को भी बुलाया था, वो वहां भी नहीं आई थी। तो फिर कहाँ चली गई? आखिरी कॉल तो तुम्हें ही किया था। मुझे कैसे पता होगा क्यों? सर कॉलीग है तो नॉर्मल बातचीत होती है हमारी। सिर्फ गायब होने के पहले किया गया आखिरी कॉल कभी नॉर्मल नहीं होता मिस्टर मिश्रा। सर मेरा यकीन कीजिए, और वैसे भी हम लोग ऑफिस के काम से एक दूसरे को फोन करते ही हैं। ठीक है, मुकुल के एक एक स्टाफ से पूछताछ कर, टेढ़ा है सीधा करना पड़ेगा। यस सर। अरे उल्लू के पट्टे, तू पुलिस चौकी के बाहर क्या कर रहे? तुझे मना कहते मिलने के लिए ना? साहब जी आप फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए हमें आना पड़ा। काम हुआ? हाँ जी सर, पैसे मिल जाते तो। मिल जाएंगे तुझे पैसे। सुमन अग्रवाल जो करियर में कामयाबी हासिल कर रही थी अब तक लापता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन अपनी मर्जी से भागी है? क्या घर से भागने की प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी? ऐसा क्या हुआ कि वो रात को घर से निकली और माँ को पता तक नहीं चला? हम सुमन अग्रवाल से विनती करना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है तो आप अपने परिवार से संपर्क करें। आपकी माँ चिंतित है। देश में इन दिनों महिलाओं के साथ जुर्म की बढ़ती वारदातों को देखते हुए डर लगता है कि कहीं सुमन का गायब होना जुर्म की श्रृंखला की अगली कड़ी तो नहीं। नीता, मुकुल और सुमन के संबंध कैसे थे? मतलब दोस्ती, दुश्मनी या कुछ और? मुकुल काफी उखड़ा उखड़ा था सुमन के प्रमोशन की वजह से। उसे लगता था उसका प्रमोशन हो जाएगा लेकिन उल्टा सुमन उसकी बॉस बन गई। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। मुबारक हो मैनेजर बनने की खुशी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू। सर, सर सुमन की आखिरी लोकेशन ट्रैक होगी। ये तो एमएन रोड है, एकदम सुनसान इलाका, यहाँ तो ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं। और सर उसकी लोकेशन के हिसाब से वो इस जगह पे 2 मिनट के करीब थी, उसके बाद उसका फोन ऑफ हुआ। इस पूरे एरिया को अच्छे से छानो, देखो कुछ मिलता है, क्योंकि आगे जाकर ये रोड कई अलग अलग एरियाज में निकलती है, जाके देखो। राइट सर। और ये मुकुल बदला लेने की हद तक जा सकता है, इसकी पूरी कुंडली निकालो। राइट। एक लड़की की लाश मिलने की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि एक और लड़की सुमन ऑफिस से लौटते हुए गायब हो गई थी। क्या इसकी वजह ऑफिस की रंजिश थी? मुकुल को सुमन का उससे आगे निकल जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए। क्या इसी वजह से उसने सुमन को अपने रास्ते से हटा दिया होगा? लेकिन ये कैसी सोच है कि हम कहते तो हैं कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। क्या सिर्फ यही वजह थी या फिर मुकुल और सुमन के बीच कुछ और भी था जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी थी? सर उन दोनों लड़कियों के फैमिली के डीएनए उस लड़की से मैच नहीं करते। सर अब एक ही मिसिंग लड़की बचती है, प्रीति। वो अनाथ है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी उसकी फ्रेंड नेहा ने लिखवाई थी। वो आती होगी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर नेहा, हमें एक लाश मिली है जिस पर ये कपड़े थे। देख के बताइए कहीं आपकी मिसिंग दोस्त प्रीति के तो नहीं है? नो सर, प्रीति ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती थी। वो तो जीन्स, टॉप, कुर्ती ऐसे कपड़े पहनती थी। सर ये प्रीति नहीं हो सकती। सर प्लीज आप उसे ढूंढिए। सर 1 महीने हो गए, उसकी कोई खबर नहीं है। प्रीति के हाथ पे ऐसा कोई टैटू था? हाँ सर, उसने कुछ महीने पहले ये टैटू करवाया था। पक्का? हाँ, उसने मुझे फोटो भी भेजा था। आई विल शो यू। दिखाओ। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते। प्रीति के फोन की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस के पास थी, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे डाउट किया जा सके। त्यागी,
प्रीति के ऑफिस से उसकी बैंक डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था। राइट सर। सर, प्रीति की डिटेल पीएम रिपोर्ट। उसे खीर में जहर देके मारा गया था सर। मतलब पहले जहर दिया और उसके बाद सर फोड़ा। लेकिन उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है सर। पुनी ने लड़की को एक महीने अपने साथ रखा लेकिन कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। लेकिन मारपीट के निशान अजीब माजरे। सर कपड़े खून से खराब हो गए होंगे। लेकिन कपड़े बदल देने से खून नहीं छुप जाता है। बहुत अजीब आदमी, कोई साइको किलर लगता है। नहीं मिलेगा पैसा, जा। जितने की हमारी बात हुई थी ना उससे एक रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, जानता नहीं मुझे। अच्छा, ऐसा नहीं मिलेगा। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे ना, मैं लेट हो जाऊंगी। ताकि सुमन के केस में एक पत्ता भी नहीं है। ऑफिस से गायब हुई है कंफर्म। ऑफिस किसी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं है कि किसी को कुछ पता ना चले। अगर किडनैप हुआ होता तो किसी ने तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी होती। सर मैंने उस एरिया के ऑटो रिक्शा वाले और चाय वालों से पूछताछ की, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। फिर गायब कैसे हुई? सर हो सकता है वो किसी ऐसे के संग हो जिस पे हमारा शक ना हो, या वो अपनी मर्जी से गई हो। सर ये क्राइम सीन पर मिला सर, जहां सुमन गायब हुई थी। सुमन का फोन है सर, जिसकी मां ने पहचान की है। पता करो ये खून सुमन का ही है या नहीं, और ये भी किस फोन से कुछ मिलता है। राइट सर। भैया नाश्ता रेडी है, खा के बताओ ना कैसा बना है। तो मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मासी जी मुझे लगा कि मेरा बटुआ शायद यहीं रह गया, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारा बटुआ मेरे कमरे में कैसे आएगा? हाँ मासी जी, मुझे याद आ गया, वो स्कूटर का डिक्की में। मासी जी भूल जाता हूँ कभी कभी, चलता हूँ मासी जी। हेलो, देखो तुम गलत कर रहे हो। सही क्या है गलत क्या है ये मुझे मत सिखा, तो सिर्फ इतना बता कि तू आने वाला है या नहीं। ठीक है, मैं शाम तक आता हूं, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। सुमन अपने मौसेरे भाई को उसकी बुरी आदतों की वजह से अपने घर में नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन घर से गायब होने के बाद वो उसके भाई के साथ ही रह रही थी। लेकिन ये माजरा क्या था? वो तो अपने भाई के साथ खुश लग रही थी। क्या चिराग ने ही उसे छुपा कर रखा था, या फिर ये कोई और ही था जिसे सुमन अपना भाई बता रही थी? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। सुमन के केस में पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। उधर लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, वो प्रीति थी जो अनाथ थी, लेकिन किसी ने क्यों इतनी बेरहमी से उसकी जान ली थी? या, आज अच्छे से बंधी है ना टाइ? ये ले, इतना तो काफी होगा ना। अरे कहाँ से हाथ मारा तूने? अरे आम खा, उठ लेना गिन, माल निकाल मेरा, माल ला। अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया तुझे, बिल्कुल याद नहीं आती तुझे। सप्रीति कॉल सेंटर में काम करती, उसके ऑफिस से हमें कोई जानकारी नहीं मिली। कोई निजी ऑफिस में रंजिश भी नहीं थी सर। उन्हीं का मकसद डेफिनेटली सिर्फ खून करना तो नहीं था, फिर और क्या हो सकता है?
क्या हमसे डेफिनेटली कुछ छूट रहा है। पता करो किसी और पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। भैया भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? भैया भैया बताइए ना क्या हुआ है। ये प्लीज मुझे बताइए ना क्या हुआ है। ये सात आठ साल पहले मेरे भी सर्कल में एक ऐसा ही केस आया। खूनी पकड़ा है? हाँ। क्या हुआ साहब, आप लोग यहाँ? आप राजू को बुलाइए, वही बताएगा। क्या किया राजू ने? राजू की एक फ्रेंड थी गीता, उसका मर्डर हुआ है। राजू, राजू साहब, तुमने मारा गीता को? ले जाओ साहब, ले जाओ इसे। बहुत कोशिश की पता करने की कि आखिर उसने गीता को क्यों मारा, पर उसने कभी मुंह नहीं खोला। बाल सुधार गृह में भी चुपचाप बैठा रहता था वो, किसी से बात नहीं करता था। और एक दिन पता चला कि वो वहां से भाग गया। राजू आप कहाँ हैं? मेरा तबादला हो गया था, पर जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। राजू का एक स्केच बनवाओ, ये फोटो 8 साल पुराना है, पता करते हैं कि अब कैसा दिखता है। शायद कोई क्लू या इन्फॉर्मेशन हाथ लगे, तब तक ऑफिसर राजू की और इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। ये पक्का ऐसे ही दिखता होगा? हाँ सर, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, फटाफट इसके प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रीति के ऑफिस वालों से पूछताछ करो कि उन्होंने इसे कहीं आसपास देखा है। अच्छा। ये प्रीति के बिल्डिंग का वॉचमैन, देखो इसे, पहचानते हो? देखा है साहब। कौन से ऑफिस में काम करता है? प्रीति के? सब प्रीति मैडम के ऑफिस में तो नहीं, पर हाँ तीसरे माले पे शायद किसी ऑफिस में काम करते थे। करता था मतलब, काम कब छोड़ा? काम छोड़ा नहीं छोड़ा वो नहीं पता, पर काफी दिन से देखा नहीं इनको। ठीक है जाओ, इसका मतलब किसी और ऑफिस में काम करने के बहाने प्रीति पर नजर रखे हुए थे और उस रात मौका मिलते ही उसने प्रीति को उठा लिया। पता लगाओ कौन से ऑफिस में काम करता था और उसका एड्रेस निकलवाओ। और ये भी पता लगाओ कि ये वही राजू है ना जिसने 8 साल पहले भी मर्डर्स किए थे। यस सर। सर आ जाएगी। राजू के ठिकाने का कुछ पता चला? सर खबरियों को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। वेयर कमिंग सर, आइए बैठिए। सही टाइम पर आए, राजू की बात चल रही थी। कुछ पता चला? हाँ पता चला। कहाँ है वो? राजू मर चुका है, बालगृह से भागने के 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में। ऐसे कैसे? प्रीति की ऑफिस की बिल्डिंग से जो आया था उसने पहचाना था उसे। फॉरेन ग्लोव्स? जी सर। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे ऑफिस की बिल्डिंग में देखा था। हाँ ऐसा ही लगते थे। ठंडे दिमाग से सोच के अच्छी तरह देख के बताओ। सर इस केस में कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पता नहीं सर, कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते सर। ठीक है जाओ। कभी कभी ऐसा होता है स्केच 100% मैच नहीं होता और लोग कंफ्यूज हो जाते। खैर एक बात तो हमें पता चल गई कि राजू मर चुका है। सर अगर राजू मर चुका है तो ये कौन है? वही तो पता लगाना है कि ऐसा कौन है जिसको राजू के बारे में इतना सब कुछ मालूम था। हूबहू वैसे ही मर्डर। सर कहीं उसका जुड़वा भाई तो नहीं है? नहीं उसका कोई भाई नहीं। ये तो वही कर सकता है जो राजू को बहुत अच्छे से जानता, जिसे राजू के सारे राज पता थे, कोई बहुत करीबी या रिश्तेदार, या फिर 6 महीने में बना हुआ कोई नया दोस्त। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? सर गीता 17 साल की थी जब उसका मर्डर हुआ और सुमन की उम्र 23-24 साल, थोड़ा फर्क है सर। लेकिन सुमन और प्रीति की उम्र में कोई फर्क नहीं था, दोनों लगभग एक जैसी थी। जी सर। और गीता की मौत 8 साल पहले हुई थी, उस वक्त राजू 15 साल का। जो ये कर रहा है वो राजू से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो है कौन? मुकुल चिराग या फिर कोई और? पता लगाओ इन लोगों का राजू से कोई कनेक्शन है या था, जो उसके दोस्त थे 8 साल में, उन सबके बारे में पता करो। उसने प्रीति को 30 दिन अपने पास रखा और उसके बाद 30वें दिन उसे मार दिया, कहीं सुमन के साथ भी ऐसा कुछ ना करे। सुमन के फोन पे जो खून के धब्बे थे वो सुमन के ही थे सर। ठीक है, पता नहीं वो इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब करे। और एक बात सर, ये मुकुल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड देख रहे थे, अक्सर इन नंबर्स पे बात होती है सर, और ये सारे नंबर हिस्ट्री शीटर्स के। उठा लो इन सबको और मुकुल को भी। जी सर।
सुमन अग्रवाल के केस को जोड़कर देख रही है। हमारे सोर्सेस के हिसाब से अब तक इस केस में पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों के गुस्से और सवालों से बचने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। पर सवाल यह है कि क्या 23 साल की प्रीति सिंह को इंसाफ मिल पाएगा या फिर बहुत सारे केस की तरह यह केस भी ठंडे बस्ते में पड़ा रह जाएगा। भैया मैं लाख कोशिशें कर लूं, आप कभी खुश ही नहीं होते मुझसे। भैया आप बताइए ना मैं क्या करूं आपको खुश करने के लिए, प्लीज भैया बोलिए ना। मैं Do you want to write? तुम्हारे लिए जायज भैया, लेकिन जायज है, समझ नहीं आ रहा है। गए ना पूरे हैं, चाहो तो दिन भर मुकुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? देख रहे हो मैं काम में बिजी था। और हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? मैंने फैसला कर लिया, कल सुबह तुम मुझे ऑफिस वाले रोड पे मिलो। लेकिन क्यों? क्योंकि कल हम शादी करने वाले हैं। शादी? लेकिन ऐसे छुप के क्यों? मम्मी को तो बता देते। देखो अभी किसी को कुछ नहीं बताना, एक बार शादी हो जाए ना उसके बाद धूमधाम से पार्टी देंगे सबको। और तुम मेरे घर वालों को तो जानती हो, अगर उनको पता चल गया तो फिर। मुकुल तुम कितने अच्छे हो ना, I love you। वादा कर दिया कि शादी उसी से करूंगा। अच्छा अभी मैं चलती हूं। पर ठीक है? फिर मैंने ड्राइवर मोहन से बात की। हाँ कल तैयार रहना, कल वो आ रही है। कहाँ छुपा के रखा सुमन को? सर मैंने उसे अगवा किया ही नहीं सर। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहां पर आई ही नहीं, या पहले ही आके चलेगी। देख सच बता दे। सर हम सच कह रहे हैं, हम बस इससे पैसा ऐंठ रहे थे, लड़की को हमने छुआ तक नहीं सर। सर ये क्या है? ट्रेलर। और अगर मुझे पता चला कि सुमन के गायब होने में तेरा जरा सा भी हाथ है तो उल्टा लटका कर पूरी फिल्म बना दूंगा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कहा था सुमन की माँ को? वो तो बस गुस्से में निकल गया। गुस्से में? अंदर डालो उसको। सर, 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 मेरी बात तो सुन। सर चिराग मुकुल कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। अच्छा राजू का वो कोई करीबी पता चला जो उसके नक्शे कदम पर चलकर ये मर्डर कर रहा हो? एक मिनट सर, तेरी पिक्चर्स मिले सर, लेकिन ये उस वक्त बाल सुधार गृह में थे। ये राजू के करीबी थे? ये नहीं पता सर। पता करो, और ये भी पता करो कि कहाँ है इस वक्त, मुश्किल है पर फाइंड आउट। हेलो जल्दी भेजो, अब देखता हूं कैसे बचता है तू। बस बस बस, तो ये है वो जो राजू बन के घूम रहा है। लेकिन सर ये है कौन? एक बार हाथ लग जाए फिर खुद ही बता देगा कि इसका राजू से रिश्ता क्या है। देख रहा बस, ये देखो ये टैक्सी, इसका नंबर नोट करो। जी सर। टैक्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है। जी। राजू को कैसे जानता है और प्रीति को क्यों मारा? मेरा कोई परिवार नहीं है सर, मेरे को चाहिए सर राजू जैसा परिवार। विद्या तेरी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, गरम करके लाती हूँ। मेरा गिफ्ट? नहीं अभी नहीं। क्यों? मेरे पास दिन एक सरप्राइज है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहाँ से सीखी तूने ड्राइविंग? दोस्त से, जिसकी है स्कूटी है। और बिना हेलमेट बिना लाइसेंस पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे हेलमेट से कुछ नहीं होता। राजू की बहन चली गई। हुआ हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। राजू ने एक नई बहन ढूंढ ली। इस समय तू कहाँ है अशु? ये तो राजू की कहानी है। मेरी कहानी है ये। मुझे भी बहन चाहिए थी। दूसरों की माँ कितना प्यार करती है और एक मेरी माँ है, नफरत करती है मुझसे।
उसको लगता है मैंने अपनी बहनों को मारा है। पर अशोक, मैंने नहीं मारा उसे, मर गई थी वो, एक्सीडेंट था वो। सब ठीक हो जाएगा राजू। प्रीति गंदी लड़की थी वो, जैसे प्रीति के ऑफिस के बगल वाले ऑफिस में मैं काम करने लगा, वैसे मैं सुमन के ऑफिस में भी काम करने लगा। मुझे सब पता था, वो कब आती है कब जाती है सबकी खबर थी मुझे। हो गया ना? मैडम आप इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगी? मैं टैक्सी मंगा दूं। ठीक है। मैडम जी आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगी? ठीक है आ जाओ। ड्राइवर ये कौन से रास्ते से ले रहे हो? हाईवे से लो ना। रंजीत शॉर्टकट रास्ता है। दीदी आप मेरे साथ घर जा रही हैं। मेरे बहुत समझाने की कोशिश की तू समझ ही नहीं रही थी मेरी बात। सर सर वो देखिए सर मेरी बहन सर सर वो देखिए मेरी बहन मुझे बुला रही है सर सर वो देखिए सर आपको दिख रही है? अच्छा बैठ। सर, सर क्या कर रहे हैं आप? अब मुझे मेरी बहन है सर मुझे बुला रही है वो। मैं आ रहा हूँ मैं उनको समझाता हूँ मैं समझा दूंगा अच्छे लोग हैं। क्या करना है सर? उसको मानसिक उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। सर आ रहा हूँ सर प्लीज सर मेरी बहन मुझे बुला। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स को कभी कभी उसका परिवार समझ नहीं पाता और मरीज को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा। मुजरिमों की मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से 30वें दिन उसका खून होना था। सुमन भाग्यशाली थी। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उसने काफी मशक्कत के बाद इस केस को सुलझा लिया, वरना नामालूम कितनी और मासूम लड़कियों की जान जाती। कहते हैं एक सुरक्षित समाज के लिए चाहिए सतर्क पुलिस और जागरूक नागरिक। अगर इन दोनों में संवाद का रिश्ता कायम हो जाए तो जुर्म कम हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।